hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मेरे पास जियो फोन ऐप 320 मॉडल है, जो कि न्यू मॉडल है, अभी का लेटेस्ट मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसको ऑन करने पर यह बहुत स्लो चालू होता है, बहुत धीरे धीरे चालू होता है, और चालू हो भी जाता है तो इसका डिस्प्ले बंद हो जाता है और कीपैड का लाइट जल रहा होता है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, अगर आपके पास भी ये वाला फ़ोन और ये प्रॉब्लम आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे फ्लैशिंग करके भी देख लिया, लेकिन फ्लैशिंग से ठीक नहीं हुआ। दरअसल ये हार्डवेयर प्रॉब्लम था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैसे एकदम स्लो चालू हो रहा है, बहुत देर में चालू होता है। सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है। दो बार फ्लैश करके भी देख चुका मैं इसको। दोस्तों देखो, ये चालू हो गया है, लेकिन इसका केवल कीपैड ही दिख रहा है, जो लाइट दिख रहा है, डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
बार बार चालू करने पर भी सेम वैसी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसका एक बार डिस्प्ले चेंज करके देखेंगे। इसके डिस्प्ले को मैं निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं इसका ये ओरिजिनल डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले लग चुका है, अब इसको चालू करके देखते हैं पूरा चालू होता है कि नहीं। देख सकते हैं पहले से ये कुछ फास्ट बूट हो रहा है, लग तो रहा है कि ये पूरा चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा चालू हो गया। दरअसल ये डिस्प्ले का ही फॉल्ट था, डिस्प्ले चल तो रहा था लेकिन पूरा उसमें बूट नहीं हो पा रहा था।